वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्रोशेट रूम। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वॉल हैंगिंग है। ये डिफरेंट साइजेस के मैंने बनाए हैं वॉल हैंगिंग, मंडाला वॉल हैंगिंग मोटिव बनाया बीच में मैंने। मोटिव है ये मंडाला का, और इसको मैंने ये फ्रेम के अंदर अटैच किया है। तो ये डिफरेंट साइजेस में है, ये सबसे स्मॉल साइज है। इसके बाद जो साइज है वो ये है साइज, ये साइज है, और फिर जो बिगर साइज है वो ये है। ये आपको नज़र आ रहा होगा ये, तो ये आप वॉल के ऊपर आप इसको हैंग कर सकते हैं मुख्तलिफ अपने तरीक़ों से, जिस तरीके से आप चाहें। आज जो मैं बना रही हूँ वो स्मॉल साइज में आपको बना के दिखा रही हूँ, और स्मॉल साइज में आपको बना के दिखाऊंगी ये वाला वॉल हैंगिंग। तो इसको पहले मैं इसका ये मोटिव बनाऊंगी, उसके बाद इसको किस तरीके से अटैच करेंगे ये आपको बताऊंगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये फोर कलर यूज़ किए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। जैसे इसमें यूज़ किए गए हैं, इसमें भी 1, 2, 3, 4, और ये वाला कलर जो है ये रिपीट किया है हमने। इस तरीके से ये फोर कलर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे कलरों में, लेकिन ये क्या है, यही इसी का शेड है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक बनाऊंगी चेन, चेन 3 बनाऊंगी, 1, 2 एंड 3, 4 बना लेते हैं। ठीक है, चेन 4 बना के और एक छोटा सा रिंग बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक रिंग बना लेंगे, और इस रिंग के अंदर हम जो है 1, 2, 3 एंड 4, ये हमने 4 चेन लिए, जिसमें एक डबल क्रोशे और एक चेन है। और इस जो है सॉरी तो ये चेन 4 जो है हमारी, एक डबल क्रोशे और एक चेन वन है। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर 10 डबल क्रोशे बनाएंगे चेन 1 के साथ। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे चेन 1 के साथ 10 डबल क्रोशे। इस छोटे से जो आपको होल नज़र आ रहा है, इसके अंदर सेम स्पेस पे हम ये बनाएंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं साउंड को, और फिर आपको दिखाते हैं। फिर ये हमारे चेन जो हैं, ये 10 डबल क्रोशे हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इनको यहाँ पे 1, 2, 3 चेन पे 3 जो हमारा स्टिच है उसमें इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए कर देंगे ज्वाइन, और यहाँ से इसको हम कट करके सेकंड कलर स्टार्ट करेंगे। सेकंड कलर हम अपना पिंक कलर ले रहे हैं, ये इसको हम कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस तरीके से हम चेन 3 लेंगे, 1, 2, 3 ले ली, और यहाँ पे डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। इस तरीके से डबल क्रोशे क्लस्टर बना के, और बीच में हम चेन 2 ले लेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में जाएंगे, और नेक्स्ट में भी इसी तरीके से डबल क्रोशे क्लस्टर बना लेंगे। ठीक है, डबल क्रोशे क्लस्टर बनाने के लिए आपको पता है कि पूरा डबल क्रोशे को नहीं बनाते, हाफ डबल क्रोशे बना के फिर उसके बाद डबल क्रोशे को स्टार्ट किया, यहीं रोक दिया, स्टॉप एंड स्टार्ट 2 एंड 3। तो इस तरीके से मैं पूरे राउंड इसी तरीके से बना लूँगी। ओके, चेन 2 और डबल क्रोशे क्लस्टर, इस तरीके से ये जो गैप हमने बनाए थे इनके अंदर हम इस तरीके से बना लेंगे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, और हम इसको यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको
स्लिप स्टिच के जरिए कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करके हम सेकंड अपना थर्ड, तो ये हम अपना थर्ड कलर यहाँ कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप, यहाँ से लगा के। बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, ठीक है। इस तरीके से इसको बना लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे एक, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। ये इस तरीके से हम पूरा रो, इस तरीके से पूरी रो बना लेंगे। तो ये राउंड हम कंप्लीट करके और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरीके से, अटैच करके, और ये हमारा काम ख़त्म हो गया इसका। इसको कट करेंगे और हम नेक्स्ट अपना कलर जो है वो यूज़ करेंगे इसमें बीच में। इसमें हम ये करेंगे कि हर गैप पर हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशे और हम बीच में देंगे 1, 2 चेन देके और फिर 3 डबल क्रोशे। इस तरीके से हम 6 डबल क्रोशे बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बनाना है 2 एंड 3। ये इस तरीके से हम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरीके से। तो पूरा राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, सिक्के डबल क्रोशे बनाए, फिर उसके बाद चेन टू बनाई, चेन टू, और यहाँ पे फिर वही 3 डबल क्रोशे, चेन टू, 3 डबल क्रोशे। तो इस तरीके से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हम इसको अटैच कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा काम यहाँ पे इसका फिनिश हो गया है और ये हमारा मोटिफ जो है वो रेडी है, रेडी फिक्स करने के लिए है। आप अगर इस तरीके से फ्लावर मोटिफ का भी बना सकते हैं। ये देखिए वॉल हैंगिंग फ्लावर मोटिफ का ये मोटिफ बनाया था मैंने, 3G फ्लावर मोटिफ है इसका, मैंने ये मोटिफ बनाया था और ये फिर इसके बाद इसको वॉल हैंग किया था इस तरीके से ये। तो आप इस तरह फ्लावर भी बना के, कोई सा भी छोटे फ्लावर बड़े फ्लावर बना के कर सकते हैं। अभी देखिए अभी हमारा फ्रेम है जी, आपका मोटिव है जो आपके फ्रेम से थोड़ा छोटा होना चाहिए। जब छोटा होगा तो जब ये इसके अंदर सही से फिक्स होगा। छोटा फ्रेम का साइज़ जो है इतना हो कि ये आपका जो मोटिव है उससे थोड़ा सा बड़ा हो, मोटिव छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अटैच करके दिखाते हैं। यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे इस जगह से, ठीक है। और ये जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम के साथ पहले फ्रेम में लगा लेंगे इसको, हम ऐसा करते हैं फ्रेम में लगा लेंगे इस तरीके से, इसको फ्रेम में अटैच कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको सिंगल क्रोशे करते चले जाएंगे इस तरीके से, यहाँ से लेंगे और यहाँ से इसको सिंगल क्रोशे। मैंने छोटा इसीलिए लिया था कि बड़ा में फिर कैमरे में मसला होता है। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से फ्रेम में लगाएंगे, चेन वन बना के इसको फिक्स कर देंगे और फिर नेक्स्ट में जाएंगे और इस तरीके से इसको फिर इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। फिर हम सादा ऐसे ही बना लेंगे इसमें सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे इसमें
प्लेन बना लेंगे इस तरीके से। इसमें आसान नहीं होता इतना बनाना, लेकिन ये है कि शौक का कोई मोल नहीं है। इस तरीके से हम इसमें नीचे से लाके लेके आएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से इसको सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, बना के यहाँ तक ले आएंगे और फिर यहाँ से फिर इसको सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे। तो इसको इस तरीके से हम, समझ में आ गया होगा आपके किस तरीके से मैं इसको अटैच कर रही हूँ। ठीक है, या आप इस तरीके से ले आएँ, यहाँ से ले आएँ और यहाँ से इसको अटैच कर दें, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप इसको सिंगल क्रोशे बनाएं। आसान तरीका बता रही हूँ आपको। छोटा फ्रेम इसीलिए लिया था कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ से लिया, यहाँ से इसको निकाला और ये सिंगल क्रोशे बन गया। ठीक है, इस तरीके से पूरा हम यहाँ तक लेके आएंगे और फिर यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो मैं इसको पूरा आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया, ये फिनिश हो गया। अब हम यहाँ पे जहाँ से हमने इसको स्टार्ट लिया था, यहाँ पे इसको वाइंड अप कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पर आके ये यहाँ ला के ये वाइंड अप किया। इस तरीके से वाइंड अप करके चेन बनाई, हुक बनाने के लिए चेन 3 बना के, और यहाँ पे इसको इस तरीके से ये हुक बना दिया हमने एक टांगने के लिए, कि अगर आप टांगना चाहें तो इसको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है मोटिफ, हैंगिंग वॉल हैंगिंग मोटिफ तैयार है। मंडाला मोटिफ हैंगिंग वॉल हैंगिंग रेडी है। तो इसमें आप अगर नीचे चाहें तो इस तरीके से ये इस तरीके से ऐसे झालर्स भी आप लगा सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा और डेकोरेटिव इसको बनाना चाहते हैं, ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये ऐसे ही भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वॉल हैंग आपको पसंद आया है, तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।